हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपनी दो स्टूडेंट से मिलवाता हूं जो एनआईटी कैलीकट, एनआईटी सूरत कल की हैं। अभी इन लोगों के एग्जाम्स हुए हैं तो अब ये लोग आए हुए हैं। अब आपको मैं ऐसे और भी बच्चों से मिलवाऊंगा जो एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरत कल, कैलीकट, इलाहाबाद या अलग अलग कॉलेजेस में, और इनसे मिलवाने का क्या पर्पज़ है वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी बात बता दूँ, बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि एमसीए के बाद या एनआईटी से एमसीए करके प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरत कल के तो प्लेसमेंट अच्छे थे, पर इस बार अगर हम देखें तो एनआईटी कैलीकट के भी प्लेसमेंट बहुत अच्छे गए। एवरेज प्लेसमेंट की बात करें तो किसी भी बच्चे का 10 से 12 लाख का प्लेसमेंट था, और हाईएस्ट प्लेसमेंट की अगर बात करें तो 36 लाख तक गया हुआ है। तो ये बच्चे दोनों बताएंगे आपको और अपनी पढ़ाई की हैबिट भी बताएंगे। आपको याद होगा कि जब इनका सिलेक्शन हुआ था, जब भी मैंने इनको मिलवाया था, अभी इनका पहला सेमेस्टर ब्रेक हुआ है और ये यहाँ पर आए हुए हैं। सेकेंड सेमेस्टर ब्रेक हुआ और अब ये आए हुए हैं, तो अपने जूनियर्स को मोटिवेट करने आए हुए हैं। और यहाँ पर इम्पिटस में एक बहुत नॉर्मल बात है कि सारे सीनियर्स जो स्टूडेंट होते हैं, जब भी कभी भोपाल आते हैं तो वो मुझसे जरूर मिलते हैं, अपने जूनियर से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, एक अच्छा कल्चर यहाँ पर डेवलप है। तो ये सारे बच्चे जो हैं आपको बताएंगे कि किस ढंग से आप पढ़ाई करें, और दूसरी बात कि जब ये सेमिस्टर्स में पढ़ते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस एग्जाम का, और क्या क्या चीजें ड्यूरिंग एमसीए इनको करनी है जिससे कि इनको अच्छे प्लेसमेंट मिले, ये भी बताएंगे। तो अभिलाषा, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप बताओ, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है एनआईटी कैलीकट नहीं जाना चाहिए, बहुत दूर है, पर एनआईटी कैलीकट पिछले कई सालों से यहाँ बच्चे जा रहे हैं। एक तो इंटर्म ऑफ पढ़ाई, इंटर्म ऑफ प्लेसमेंट सभी कुछ अच्छा है, तो आपका क्या अपना एक्सपीरियंस है वो बताओ। हेलो एवरीवन, मैं एनआईटी कैलीकट में हूँ। लास्ट ईयर मैंने निमसेट क्लियर किया था। जनरल कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनआईटी कैलीकट लोग स्किप करके, क्योंकि भोपाल होम टाउन है तो मैनेट प्रेफर देते हैं, पर मुझे, मेरा हमेशा से ये था कि बाहर जाने के दो रीजंस होते हैं। एक तो रैंकिंग होती है हर एनआईटी की, एनआईटी कैलीकट की रैंक ऊपर थी है मैनेट से, तो मैंने, एक रीजन वो था। दूसरा रीजन ये था कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, जो कि हर एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये दो मेरे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे एनआईटी कैलीकट को चूज करने के। दूसरी बात, मुझे नहीं पता एनआईटी कैलीकट जाने से लोग क्यों डरते हैं। वहाँ पे ये बात है कि वहाँ की फैकल्टीज आपको बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं कराएंगे, पर वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। मतलब अगर आप खुद से एफर्ट्स डालेंगे तो वो आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। अब ये तो हो गया एनआईटी कैलीकट की लाइफ, पर एनआईटी कैलीकट जाने से पहले जो था वो एग्ज़ाम होता है निमसेट, जो हम सब ने दिया था। तो निमसेट की बेसिक प्रिपरेशन ये थी कि हमेशा अपने जो बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं उन पे स्टिक रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, उनको सॉल्व किया। लास्ट टाइम पे सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, और उस ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा वो क्वेश्चन सॉल्व किए जिनके आने के चांसेस ज्यादा थे। मतलब खुद ही का रीचेक किया कि कौन से क्वेश्चन जो पहले अटेम्प्ट करके गलत कर दिए थे, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था, मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर भी दिया था पर रैंक अच्छी नहीं आई थी, तो वो रीजंस को ओवरकम किया और फिर से निमसेट दिया, रैंक अच्छी लगी, एनआईटी कैलीकट मिल गया और वो चूज कर लिया। हाँ, तो आपको अभिलाषा ने जैसे बताया कि कैलीकट में स्पून फीडिंग ज्यादा नहीं है, तो मैं तो ये बताऊंगा कि किसी भी कॉलेज में अगर आप चले जाएंगे, चाहे एनआईटीज में जाए, चाहे किसी भी नॉर्मल कॉलेज में भी जाएंगे, तो आपको स्पून फीडिंग तो आज की डेट में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आपको सेल्फ डेवलपमेंट ही करना पड़ेगा, और सेल्फ डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट में अगर आप चले गए जहां पे आपको सिर्फ रटाया गया है, तो आपको एक तरीके से स्पून फीडिंग कराई गई है, आपको डेवलपमेंट आपका कुछ नहीं हुआ है। आप अच्छी जगह पे पहुंच तो गए हो लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन इम्पिटस में हम लोग शुरू से ही बेसिक से पढ़ाते हैं और इस तरीके से उनको डेवलप करते हैं कि वो कभी भी अगर कोई उनके पास नई किताब भी आ जाएगी तो वो खुद से पढ़ सकेंगे, उनको आगे चल के किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें भी यहाँ पर डेवलप करके जाते हैं और इसीलिए ये लोग सर्वाइव भी कर पा रहे हैं। नहीं तो मान लीजिए वहां पर कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज कि वो पहुंच गए लेकिन उनकी स्पून फीडिंग की आदत अभी तक नहीं गई है। तो इन लोगों को इसलिए प्रॉब्लम नहीं जाती, जैसे कि उसने कहा कि स्पून फीडिंग नहीं है लेकिन फिर भी हम कर पा रहे हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है। ऐसा सभी जगह होगा कि स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ये सर्वाइव इसलिए कर पा रही है क्योंकि ये सेल्फ डेवलप होके गई है, इसको पता है कि मुझे किस तरह से सेल्फ प्रिपरेशन करना है। तो अब वंदना, तुम बताओ कि सूरत कल की लाइफ क्या है, क्या सूरत कल में तुम्हें पढ़ाया जाता है, स्पून फीडिंग कराई जाती है, या फिर सेल्फ तुमने कर लेती हो? हेलो एवरीवन, जैसे कि प्रतीक सर ने बोला कि स्पून फीडिंग कराई जाती है या नहीं, किसी भी कॉलेज में स्पून फीडिंग नहीं कराई जाती। आपको सिर्फ जो फैकल्टीज है वो टॉपिक्स देती है और क्लास में जितना थोड़ा बहुत समझाया जाता है वो बताते हैं। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, यूट्यूब का सपोर्ट लेना पड़ता है,
मैंने लास्ट ईयर इम्पेटस से निमसेट क्रैक किया. एक्चुअली मैं ड्रॉपर हूँ, क्योंकि जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो थोड़ा सा कॉलेज का प्रेशर भी था और घर से भी था, तो मैं इतने अच्छे से मतलब मेरी रैंक नहीं आ पाई थी, फिर मैंने ड्रॉप लिया. और इम्पेटस की एक सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आपको रटाया नहीं जाता, मारा मतलब मार के या जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाता. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है. और आपको एक बात है, अगर आप कहीं भी पढ़ोगे या NIT में हो, NIT के में हो या फिर इम्पेटस में, आपको एडेप्टिव होना पड़ेगा. अगर आपको कहीं भी पढ़ना है तो आप में सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, आप में MBBS होना चाहिए. आपको मतलब कोई सक्सेस आपको मतलब अचीव करनी तो उसके लिए आपको डेस्परेट होना पड़ेगा. और मैं जब यहाँ पे शरद सर से मिली थी तो मतलब मुझे MCA के बारे में इतना नहीं पता था. मैं जब यहाँ पे आई, सर ने मुझे समझाया कि आपको कैसे पढ़ना है, लास्ट टाइम में आपको कैसे स्टडीज करना. और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आपको नहीं आता है तो उसके बेसिक्स बताए जाएंगे, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सबको पता है, लेकिन ये कहाँ से आता है वो नहीं पता. तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, इसी हिसाब से कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे. अगर आप किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होते हो और आपको NITs मिलता है तो वहां भी आपके कॉन्सेप्ट लगेंगे. ये नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंटर बनाने के लिए रट लिया है और आपने मैन एग्जाम में लिख दिया, उससे आपके पॉइंटर बनेंगे. जब बट आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए. अगर आप यहाँ से मतलब कहीं से भी एग्जाम निकालते हो तो जरूरी है कि आप अपने पहले से एक लैंग्वेज कंप्लीट करके जाएं. मैं जब यहाँ से जा रही थी, मैंने एग्जाम क्रैक किया था, तो मैंने प्रतीक सर से C और C++ की कोचिंग की थी, जिसने मुझे फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के ब्रेक में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कोई भी कोर्स कंप्लीट कर सको. और अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं अदर लैंग्वेजेस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और जरूरी है कि आप जाने से पहले कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके जाएं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा, ये दोनों गर्ल्स हैं और इन्होंने ड्रॉप लिया. यहाँ पर मैं आपको जिन बच्चों से मिलवाऊंगा इसमें कई सारे ड्रॉप लेते हैं, कई सारे ऐसे होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं. अभी ऑनलाइन कोर्स से क्योंकि हम लोग जुड़ गए, आज इम्पेटस के साथ बच्चे या तो क्लासरूम कोर्स से जुड़ते हैं या ऑनलाइन कोर्स से जुड़ते हैं, पर आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ड्रॉप लेने का कोई नुकसान तो नहीं होगा, कहीं ड्रॉप का इफेक्ट तो नहीं आएगा, क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं. आप देखिए, आपके सामने दो बहुत अच्छे एग्जांपल है गर्ल्स. गर्ल्स को ड्रॉप लेने में हमेशा प्रेशर आता है, फैमिली का बहुत प्रेशर होता है, फिर भी इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, लाइफ में वो साल जो आपके जीवन के अगले 50 साल बनाने वाले हैं, उस साल को बचाने की कोशिश मत करो. इन बच्चों को भी यही समझाया, इन्होंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप लेने पे जो जो इनके प्रेशर आए ये भी बताएंगे, पर आज इनको ये लगता है कि इनका ये डिसीजन सबसे अच्छा था. अगर ये ड्रॉप नहीं लेते और किसी कंप्रोमाइज करके किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते तो शायद उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं मिलते या आगे ग्रोथ नहीं मिलती. तो मैं एक बात बिल्कुल क्लियर बोलना चाहूंगा कि ड्रॉप लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए. अगर आपको लगता है कि अच्छे कॉलेज में जाना है तो मैं चाहूंगा अभिलाषा और वंदना आप बच्चों को एक बात बताओ, क्योंकि जब आपने ड्रॉप का डिसीजन लिया था तो घर में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, उनको कैसे फेस किया. अच्छा क्या होता है, सभी हमको बोलते हैं अरे क्यों ड्रॉप ले रहा, एक साल खराब हो जाएगा, जबकि मैं बोलता हूँ ये वर्ड ही गलत है. एक साल खराब हो जाएगा जब कोई बच्चा बोलता है ना मुझसे, तो मैं बोलता हूँ एक साल खराब नहीं जाएगा, इस एक साल के वजह से अगले 50 साल सुधर जाएंगे. तो ये वर्ड गलत है. तो ये चीजें आपके अगर लाइफ में हुई हूं तो आप बच्चों से रियल एक्सपीरियंस करो, क्योंकि मुझसे बहुत कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑनलाइन होने की वजह से. बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं कि सर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, और ड्रॉप लेना सही डिसीजन होगा कि नहीं. और एक और बात बोलना चाहूंगा कि ड्रॉप लेना सही डिसीजन होगा कि नहीं, जैसे अब इन्होंने ड्रॉप लिया तो मेहनत भी की, यानी ड्रॉप अकेला नहीं लेना, ड्रॉप के बाद मेहनत करनी. अगर आपने ड्रॉप लिया और मेहनत करके सिलेक्ट हुए तो आपका डिसीजन सही है, नहीं हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगी. तो आप अपने रियल एक्सपीरियंस बच्चों को मैं चाहूंगा शेयर. ड्रॉप का सबसे पहले जब रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सर के पास है, क्योंकि उस सिचुएशन में कोई गाइड कर सकता था तो वो सर थे. पता था पेरेंट्स भी हैं, पर वो उस टाइम वो गाइडेंस सिर्फ सर का था. तो सर को आके सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि सर एक साल का ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं. तो सर के वो वर्ड्स मुझे आज भी याद हैं. सर ने बोला था ये ईयर वेस्ट नहीं हो रहा है तुम्हारा, ये ईयर इन्वेस्ट हो रहा है. वो सिर्फ वर्ड्स थे जिन्होंने हमको मोटिवेट किया ड्रॉप लेने के लिए. वो सफिशिएंट नहीं थे, उसके बाद मेहनत करी. सर ने वापस से हमको वही चीजें बोली कि बेसिक से स्टार्ट करो, क्योंकि कहीं ना कहीं बेसिक में कुछ गलती हुई है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ. तो वो एक वजह थी. और यही सेम चीज मैंने जब घर जाके बोला कि ये ईयर वेस्टेज नहीं होगा, ये ईयर इन्वेस्टमेंट की तरीके से ट्रीट करेंगे, तो घर वालों को ये बात समझ में आई. क्योंकि जनरली ये कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि गर्ल्स को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए,
एट द एंड पेरेंट्स का डिसीजन होता है कि ड्रॉप लेने देना है या नहीं, पर उनको सही तरीके से मोटिवेट करना, उनको ड्रॉप का रियल मतलब समझाना ये बहुत जरूरी है, और ड्रॉप लेने के बाद मेहनत करना और भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अब ये साल सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये साल है मेहनत करने के लिए। तो ड्रॉप लेने का डिसीजन कभी गलत नहीं होता है, बस ये होता है कि उसको हम सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें। जैसे कि सर ने बोला ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जब मैंने फर्स्ट टाइम निमसेट दिया था तो मुझे कॉलेज मिला था, बट मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला था, तो मैं सर के पास आई और मैंने बोला सर कि मुझे ड्रॉप लेना, बट मैं घर से तैयारी करूंगी, क्यों, क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ा सा मतलब थोड़ा सी प्रॉब्लम थी कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ क्योंकि घर में ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। तो सर ने मुझे समझाया कि घर पे बैठ के आप नहीं कर सकते हो, आप कोचिंग में बैठ कर करो, तो मैंने यहाँ पे किया। और मैंने सर को ये भी बोला कि सर मैं आफ्टर 6 मंथ ज्वाइन कर लूँ, तो सर ने बोला नहीं अभी आप अभी से स्टार्ट करो, बेसिक से स्टार्ट करो। तो मैंने ड्रॉप लिया, और ड्रॉप लेने की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अदर टेंशन नहीं होती कि आपको कॉलेज जाना, प्रोजेक्ट करना, प्रैक्टिकल करना, फिर ये सब वो, आपका एक मोटिवेट होता है कि आपको बस निमसेट क्रैक करना है। तो उस टाइम मेरे पास बस यही था, और मैं यहाँ पर रही, मेरे फैमिली में सबने सपोर्ट किया, और सर ने जैसे जैसे गाइड किया वैसे मैंने पढ़ाई की। देखिए जैसा कि अभी इन दोनों बच्चों ने बोला, और कितनी अच्छी बात है दोनों ने बोली, कि पहले इन्होंने डिसाइड किया, फिर घर में कन्विंस किया। जो एक वर्ड था, ये वर्ड मुझे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या होता है। आप में से कई बच्चे जब मुझसे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ड्रॉप के लिए घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर वाले कन्विंस नहीं, अभी आप कन्विंस नहीं हो। अगर आप कन्विंस हो जाओगे तो घर वाले हो जाएंगे। इनके ये कन्विंस थे कि इनको ड्रॉप लेना है, घर वालों ने इमीडिएटली सपोर्ट किया। कई बार गर्ल्स को भोपाल से बाहर नहीं भेजते, इन दोनों बच्चों के पास भोपाल में ये ऑप्शन था कि मैनेट में एडमिशन ले लें, पर इन्होंने बाहर जाना सही समझा। और मैं खुद भी बोलता हूँ कि अगर आपके पास बाहर जाने का स्कोप है, घर से बाहर निकलने का, तो जाना चाहिए, क्योंकि उससे रियल लाइफ एक्सपोजर मिलता है। घर वालों ने फिर सपोर्ट किया। तो किसी भी बात के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद कन्विंस हो। जब आपको बिलीव हो कि नहीं मैं ये ड्रॉप क्यों ले रहा हूं, तो आपके घर वाले अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि हम खुद कन्विंस नहीं होते, हम खुद डाउटफुल रहते हैं, या हमें खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि सर ड्रॉप ले कि नहीं, पर पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन क्या होगा, जब इन्होंने ही बोला, मैंने कहा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा छोड़ो, आप तो अपना कंसेप्ट बिल्ड करो, जो जो मिस्टेक करी उन पे ध्यान दो, बिल्कुल बेसिक से फिर से प्रिपरेशन चालू करो। क्यों नहीं होगा, कोई कारण नहीं है कि नहीं होगा। तो आपको पहले ड्रॉप के पहले अपने ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, प्रतीक सर यहां खड़े हुए सामने, ये भी मेरे स्टूडेंट है। जब इन्होंने ज्वाइन किया था, जब इनको सच में मैथ्स नहीं आती थी, और ये हर बच्चों को ये बात बताते हैं, और IIT रुड़की में टॉप करके निकले। आप सोच लो, अब IIT रुड़की से MC नहीं होता, यानी कोई भी कुछ कर सकता है, बस शर्त है कि उसका डायरेक्शन सही हो, उसके अप्रोच सही हो, और उसके थॉट सही हो। तो प्रतीक सर मैं चाहूंगा आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और इसके अलावा आप दोनों बच्चों को ये बताओ कि ड्यूरिंग सेमिस्टर्स पॉइंटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मतलब, और प्लेसमेंट्स किस तरह से होते हैं, कब से आपको प्लेसमेंट्स करने हैं, क्या क्या एक्सपोजर आपको मिला है, सारी बातें आप बताओगे बच्चों को तो अच्छा लगेगा। देखिए आप लोग के पास ये दोनों एग्जांपल्स हैं जिन्होंने दोनों ने ड्रॉप लिया, और सबसे अच्छी बात है कि लड़कियां होने के बावजूद इन्होंने ड्रॉप लिया। नो डाउट इन्होंने बहुत हिम्मत करी होगी, और इन्होंने घर वालों ने भी इनको सपोर्ट किया, ये भी प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा है। और इसको सपोर्ट तभी कर पाते हैं जब हम कॉन्फिडेंस दिखाएं। अगर हम जब तक कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे पेरेंट्स को कि नहीं मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, तब तक पेरेंट्स भी एग्री नहीं करते, क्योंकि वो आपकी शक्ल देख के समझ जाते हैं कि आप 100% एग्री नहीं हो, आप में कुछ ना कुछ अभी डाउटफुल है। तो जब आप 100% आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे तो ड्रॉप लेने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन ड्रॉप लेना जरूरी कब होगा, अब हमें वो समझना पड़ेगा। जैसे कि मुझे ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, मुझे ड्रॉप लेने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी थी क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। नो डाउट मैंने फर्स्ट ईयर से एकदम 100% फुल फोकस नहीं हो पाया था, एक आध दो साल मैंने ऐसे ही निकाल दिया था, लेकिन उस एक दो साल में मैंने ये देख लिया था कि कौन लोग हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, कौन नहीं हो रहे हैं, और मैंने देखा कि जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो लास्ट तक टिके हुए। क्योंकि एडमिशन तो कई ले लेते हैं, जैसे कि अगर इस साल भी मैं बोलूं जितने एडमिशन हुए होंगे उसमें से 50% क्विट कर देते, चले जाते, और एट द एंड में भी 10-20% उसमें से भी छट जाते। तो आखिरी तक जो टिक जाते हैं, आखिरी तक जो फाइट करते हैं, नो डाउट उनका सिलेक्शन होता था, ये मैंने ऑब्जर्व किया। और इसीलिए मुझे लास्ट ईयर तक मैं बिल्कुल फोकस रहा था कि मुझे पता था कि इस तरीके से अगर मैंने तैयारी कर ली तो नो डाउट हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने कुछ भी अपने अंदर डाउट कंडीशन फेस कर ली कि नहीं मैं इतना नहीं कर पाऊंगा, तो फिर वहां पर आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है या फिर आपको सिलेक्शन ना देखने को मिले। तो इसका मतलब कि अगर सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट तो प्राइमरी कंडीशन क्या हो गई कि मुझे अपने आप पे पहले बिलीव करना पड़ेगा और आखिरी तक टिके रहना पड़ेगा। आखिरी तक अगर टिके रहेंगे तो ऐसा कोई नहीं हो सकता कि आपको रोक दे कि सिलेक्शन ना हो। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अगर आपका इस साल पेपर किसी भी तरीके से अगर नहीं अच्छा जाता है या फिर
कुछ भी कमी रह जाती है, कॉलेज नीचे मिलता है, तो आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए, क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया मतलब कि हमने आगे की लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, ना कि करंट सिचुएशन के साथ। आप करंट बोल देंगे कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वीक है, फाइनेंशियली वीक हूं मैं, प्रॉब्लम मेरे घर में चल रही है, मैं फीस नहीं दे सकता, ऐसा नहीं कर सकता, तो ये सब एक्सक्यूज है। आप ये बताइए, अगर आपने फीस मान लीजिए जितनी भी है ऑन एन एवरेज, आप कितनी भी मान लीजिए 50,000 1,00,000 जो भी आपकी फीस है, एक साल में जो भी खर्चा आता है आपको, आपके पास अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं है, या जो भी आप एक्स वाई जेड कोई भी आप कंडीशन बताते, तो आपके पास ऑल्टरनेट आप क्या है, आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पढ़ाई के अलावा भी अगर आप कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आप सोचिए, अगर आपको सिर्फ दुकान अगर खोलनी है तो दुकान कितने की आएगी, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, और उसके लिए आप पैसा कहां से लाएंगे, और इस बात की क्या गारंटी है कि वो पैसा जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका आपको रिटर्न भी मिल जाएगा? लेकिन पढ़ाई ऐसा है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो 100% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और अगर एनआईटीज वगैरह से जाते हैं तो वहां पर इतनी फीस नहीं होती है। अगर आप लोग जितनी फीस पे कर रहे हो तो आपको पता है गवर्नमेंट आपके लिए कितना पे कर रही है? मतलब कि अगर आप वहां की फीस अगर आप बोलोगे कि 1,00,000 रुपए एक सेमेस्टर भी है या एक साल भी है, तो बहुत कम पे कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वहां की जो फैकल्टीज जो इन्हें पढ़ा रही है, वहां का जो एनवायरमेंट इन्हें मिल रहा है, जिस हॉस्टल में रह रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, उन सब के लिए जो गवर्नमेंट जो पे कर रही है वो इसका 10 times है। मतलब कहीं से भी तो लॉस तो है ही नहीं। और जो ये बाद में जब पैकेज ले लेंगे, प्लेसमेंट ले लेंगे, तो ये 3 months में, मैंने भी अपना 3 months में मैंने अपना पूरा लोन पे कर दिया था। जो अगर मैं ऐसा सोचता कि मैं कुछ और कर दूं, अल्टरनेट कर लूं, तो मैं पूरे साल भी अगर पे करता रहता, जॉब करता रहता, 8-8, 10-10 साल भी निकल जाता, तब भी मैं करंट सिचुएशन पे नहीं आ पाता। तो एक टाइम तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो टाइम ड्यूरेशन में आपको सबसे पहले स्टेप लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा, और अपने आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे 1 साल डिवोट करना है। और जहां पर भी आप प्रिपरेशन करें, नो डाउट आप या भोपाल में करें या कहीं पर भी करें एक्स वाई जेड, वो आपके ऊपर है, लेकिन पहली बात आपको 100% आपको अपने आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और कहीं से भी प्रिपरेशन करें, कंसेप्चुअल पढ़ाई करें। अगर आपने किसी रैंक ले भी ली, जैसे कि अगर इन लोगों के कॉलेज में भी इनसे हायर रैंक वाले भी होंगे, मेरे कॉलेज में भी मुझसे हायर रैंक वाले थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंक ये नहीं डिसाइड करती कि आपका नॉलेज लेवल क्या है। आप बोलेंगे फर्स्ट रैंकर है, ये सेकंड रैंकर है, थर्ड रैंकर है, या फिर ये इसकी रैंक 100 है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो 100 रैंक वाला नॉलेज वाइज फर्स्ट रैंकर से कम होगा, ऐसा नहीं कह सकते। नॉलेज अलग चीज है, रैंक अलग चीज है। रैंक इसलिए अच्छी आ सकती है कि उस दिन आपका दिन था, आपने जो पढ़ा हुआ था वो क्वेश्चन आ गया, आपने जो रटा था वो आ गया, तो नो डाउट आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। वहीं अगर आपसे जब कंपनीज आएगी तो वो आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपसे रटे हुए क्वेश्चन पूछेगी, वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछती है, लॉजिकल आपका माइंड चेक करती है। वहां पर हो सकता है कि 100 रैंक वाला या फिर 5000 रैंक वाला आपसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट ले ले। तो लॉजिकल पढ़ाई और कंसेप्चुअल पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अभी जैसे एक प्रतीक ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये बिल्कुल सही था कि ड्रॉप मतलब हमारा करंट सिचुएशन को नहीं, आगे की सिचुएशन को देखते हैं। और एक और बात बोली, कहीं ऐसा ना आप इससे मिसगाइड हो जाएं कि आपको ड्रॉप लेना है, डिपेंड ऑन कि कब स्टार्ट की, क्यों इसने क्यों ड्रॉप लिया। इन दोनों ने मैं बताता हूं, इन्होंने जनवरी में डिसाइड किया था जब ये फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे थे कि हमें एमसीए करना है, टाइम कम मिला इसलिए इनको ड्रॉप लेना पड़ा। तो आप लोग अगर ये सेशन सुन रहे हो और फर्स्ट ईयर में इमीडिएटली एक्शन लें, सेकंड ईयर में इमीडिएटली एक्शन लें, फाइनल ईयर में आए इमीडिएटली एक्शन लें, अगर सेशन सुनते अगर आपका मन है एमसीए करना, अब आप अगर एक्शन ही नहीं लेंगे तो ड्रॉप की जरूरत पड़ेगी। तो ये इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे यहां पर, जैसे प्रतीक था, नूपुर था, और भी बहुत सारे जिन्होंने 12th के बाद ही डिसाइड कर लिया कि हमें एमसीए करना है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए। एक्चुअल में ये मैं बोलूंगा ये ड्रॉप ईयर है, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर से पढ़ता है, मैं हमेशा उनको बोलता हूं वो ड्रॉप ईयर है। कहने को ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं पर मेरे लिए ड्रॉप ईयर है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ रहे हैं, यानी ड्रॉप ईयर है। तो आप एक बात ध्यान रखें आप सब लोग कि इसका मैसेज का मतलब गलत ना लें, बस इस मैसेज का मतलब ये लें कि मान लीजिए आप फाइनल ईयर में और आपकी अच्छी रैंक नहीं आ रही है या अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो ड्रॉप लेने में कोई लॉस नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो अभी से मत सोचो। दूसरी बात जो प्रतीक ने बोली वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मुझसे बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि सर ड्रॉप लें कि नहीं। मैं उनसे एक क्वेश्चन बोलता हूं, चलो ड्रॉप नहीं लें तो क्या, पहले क्या ऑप्शन है, आप पहले सोचिए कि ड्रॉप नहीं तो क्या, आपके पास क्या ऑप्शन है। बोलते हैं सर ऑप्शन नहीं है कोई, या प्राइवेट कॉलेज में, जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर ड्रॉप क्यों लेना। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि आप तो समय रहते प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जिस भी पोजीशन में है अगर आप समय रहते हुए करेंगे तो हो सकता है आपको कभी भी ड्रॉप ना लेना पड़े। अब मैं चाहूंगा कि दोनों बच्चे अपने कॉलेज के भी एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ कैसे होती है, क्या क्या आपको चेंज घर से निकलने के बाद चेंज लगा, क्योंकि आप आज इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप आते हो जाते हो, तो वो एक्सपोजर जो रियल एक्सपोजर मिलता है वो आपने फील किया होगा, तो वो आप बच्चों के साथ शेयर करें। NIT कैलिकट का अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो NIT कैलिकट ही नहीं, कोई सा भी कॉलेज जो आपके घर से दूर है, दूसरी सिटी में है, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। वजह दो है कि आप
सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनते हो? आप अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो पहला, और दूसरा आपको पता, आप समझने लगते हो धीरे धीरे कि क्या डिसीजन मेरा सही हो सकता है और क्या गलत हो सकता है। एनआईटी की लाइफ में बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, वर्कशॉप्स जो आपको ये बताती हैं, ये सिर्फ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशॉप्स नहीं होती है, लाइफ से रिलेटेड वर्कशॉप्स भी होती हैं जो हमको मोटिवेट करती हैं, ये समझ देती हैं कि हम लाइफ में क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। और रही बात प्लेसमेंट की, तो हर एक कॉलेज अपना एक क्राइटेरिया सेट करके रखता है, लाइक हर एक कॉलेज में एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है जहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए एक लिमिट होती है, मतलब मिनिमम लिमिट होती है पॉइंटर्स की। जैसे सपोज एनआईटी कैलिकट में 7.5 पॉइंटर्स है, अगर आपके 7.5 पॉइंटर्स हैं या कुछ कंपनी 7 पॉइंटर्स पे भी एक्सेप्ट करती हैं, तो आपको मिनिमम 7.5 अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो आप हर कंपनी के प्लेसमेंट को अटेंड कर पाएंगे। अब अगर आपके पास नॉलेज है और पॉइंटर नहीं है तो भी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएंगे और आप प्लेसमेंट में बैठ नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पॉइंटर्स पे और आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि 7.5 का बच्चा भी सेम कंपनी के प्लेसमेंट में बैठेगा जो 9.5 का स्टूडेंट होगा। तो अपने पॉइंटर्स को हर एनआईटी में पॉइंटर्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करें। और अगर हम निमसेट की बात करें, अगर निमसेट क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप कोडिंग तुरंत स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब आप किसी भी एनआईटी में जाएंगे तो वो आपको एकदम बेसिक लेवल से कोडिंग स्टार्ट नहीं कराएंगे, वो बेसिक बता के हमेशा एडवांस पे जंप करेंगे। लाइक जैसे मैंने, जैसे ही मेरा निमसेट क्लियर हुआ था, सर के पास एक्सपीरियंस था सालों का, उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि अभिलाषा गो फॉर कोडिंग, और मैंने प्रतीक सर की क्लासेस, प्रतीक सर, लकीली प्रतीक सर ने उसी साल से क्लासेस स्टार्ट की थी और मैंने वो क्लासेस ज्वाइन करी, उन्होंने मुझे बेसिक्स क्लियर कर दिया। वो बेसिक्स एडवांस नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था, पर वो जो बेसिक्स थे वो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत काम आए, कंसेप्ट उन बेसिक्स से बना। और उसके बाद बहुत सारी ऑनलाइन कोडिंग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हैं। तो निमसेट क्लियर करने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप कोडिंग तुरंत स्टार्ट कर दें। देखिए, जैसे कि अभिलाषा ने बताया कि जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो इन लोग के पास बहुत कम टाइम होता है, मतलब कि 15 से 20 दिन, एटमोस्ट एक महीना होता है जब इनको कॉलेज जाना होता है। तो इन लोग के पास ज्यादा, क्योंकि टाइम नहीं था, सिर्फ एक महीना ही बचा था, तो इन लोगों ने आए, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक महीने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी, जितना भी मेरे पास इनको मैं उस ड्यूरेशन में इनको नॉलेज दे सकता था जिससे कि ये आगे इनको प्रॉब्लम ना जाए। तो C++ की इन्होंने क्लासेस अटेंड करी थी, और ये यहाँ का रिवाज ही है एक तरीके से मान लीजिए इम्पेटस का, कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो गर्मी की छुट्टी में कॉलेज जाने से पहले अपना बेसिक्स क्लियर करके जाते हैं आगे के लिए, क्योंकि अभी ये सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, आगे इनको कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है। और जो उसने सबसे अच्छी बात कही कि कोडिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सब लोग ऐसा लगता है कि हम लैंग्वेजेस पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा, अलग अलग टेक्नोलॉजीज सीख ले तो ऐसा काम हो जाएगा। नो डाउट टेक्नोलॉजीज की हमें जरूरत है, हमें अवेयर होना चाहिए उनके लिए, लेकिन ब्लाइंडली उन पर नहीं जाना है। जैसे कि बहुत सारे मिथ है, जैसे कि AI, हडूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग अभी सीरीज भी अटेंड करेंगे कुछ ही दिनों में जब इनके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, मतलब ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के दम पे ही आपको कुछ हो सकता है। अगर आपके बेसिक्स अगर क्लियर है, मतलब कि आपको लैंग्वेज पहली बात तो आनी चाहिए, प्लस एल्गोरिदम, अगर बेसिक लैंग्वेज अगर आपकी है, चाहे C++, जावा, इनमें से कोई भी अगर लैंग्वेजेस आपकी स्ट्रांग है, और प्लस आपने कोडिंग अगर स्ट्रांग कर ली है, तो आप नो डाउट किसी भी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ले सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। तो जैसे कि इसने कहा कि हमें एल्गोरिदम पे वर्क करना है, एल्गोरिदम पे वर्क करना है, तो इसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि कोड शेफ हो गई, कोड फोर्स हो गई, गीक फॉर गीक हो गई, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो तब आप स्टार्ट करिए, पहले एक लैंग्वेज स्टार्ट कर लीजिए, जैसे कि C++, बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट कर लीजिए जिससे कि आपको बोलना आ जाएगा। लैंग्वेज मतलब कि आप बोलना सीख रहे हैं, उसके बाद एल्गोरिदम आपकी मेंटेलिटी डेवलप करती है, आपको जो बोलना है उसको किस तरीके से बोलना है वो आपको एल्गोरिदम सिखाता है। तो ये सारी चीजें आप जैसे ही आपको डेवलप कर लेंगे तो नो डाउट आप आगे, आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि आपको आगे किस तरह से, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड मतलब कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करना है, तो हमारी प्रॉब्लम्स को हमें ही सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर की मदद से अगर सॉल्व कराना चाह रहे हैं तो वो भी हमारी ब्रेन की तरह ही वर्क करना चाहिए। और हमारी ब्रेन की तरह वर्क कब कर पाएगा, जब हम उसको मशीन को सिखाएंगे, तो वो सब सिखाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बनाना है आगे चल के। तो अगर आपको बनाना है तो उसके लिए
रटा हुआ ज्ञान एट द एंड फिर से मैं बोलूंगा काम नहीं आएगा, उसके लिए आपको लॉजिक्स डेवलप करने पड़ेंगे और वेबसाइट्स कई सारी जैसे इसने बताई मैंने बताई उनको आप विजिट करिए, कोडिंग करिए, कब, जब आप किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं या फिर आपके पास समर ब्रेक होता है। तो आप लोग को क्या करना है, आपको दो चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है, एक लैंग्वेज पे कमांड लानी है और एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग करना है, बस ये दो चीजें अगर आप कर लेंगे ना तो नो डाउट कोई भी कंपनीज है यही दो चीजें पूछती है, सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं ठीक है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो सब में कॉमन होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज वही मांगती है, तो अगर आपने ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग कर ली है तो आपको ज्यादा कुछ डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है कि मैं 10 लैंग्वेजेस कर लूं, 10 सब्जेक्ट्स पे कमांड ले लूं। हाँ, अगर आप कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसकी गेट नेट इन टाइप के एग्जाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट से गो थ्रू होना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो फिर ये दो तीन चीजें जो है वो सफिशियंट है। अब वंदना तुम ये बताओ कि निमसेट जब तुम तैयारी कर रही थी तो उस समय तुम्हें यहाँ पर क्या क्या चीजें अच्छी लगी और उसका तुम्हें आगे चल के अभी तक क्या बेनिफिट मिलता आ रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं प्रॉपर भोपाल से नहीं हूँ, मैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट के उदयपुरा तहसील से बिलोंग करती हूँ जो कि एक टाउन है, और मुझे बाहर से पढ़ना था क्योंकि मुझे एक बाहर का एनवायरमेंट भी देखना था, क्योंकि हम जहाँ पे रहे और जहाँ पर ही रहेंगे तो हमें उसके आगे कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो मैंने अपने ग्रेजुएशन भोपाल से कंप्लीट की, फिर मैंने निमसेट का प्रिपरेशन किया था, तो मेरा निमसेट क्रैक हुआ तो मैं एनआईटीज गई। जब मैं एनआईटी कर्नाटका गई तो मुझे डिफरेंट सिटीज के स्टूडेंट्स मिले, फ्रेंड्स मिले। अब सबसे अच्छी बात एक ये होती है कि आपको किसके साथ किस तरीके का बिहेव करना है, आपसे बड़ा है तो आपसे उससे कैसे बात करनी, छोटा है उससे कैसे बात करनी है, ये नहीं कि वो छोटा है तो आपको जो बोलना वो बोलो। मैं जिस इंस्टीट्यूट से आई हूँ वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे बताया जाता है कि बिहेव कैसा करना, और हम लोग स्टूडेंट्स में या फ्रेंड्स में ही नहीं, एक्चुअली हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने कभी हमसे तुम कह के भी बात नहीं की, हमेशा बेटा आप। और तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिहेव का पता चलता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट बनाते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आप अकेले कैसे कर सकते हो। अब आप एनआईटीज में आए हो या कहीं बाहर सिटीज में आए तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी फैमिली, आपकी मम्मी या पापा हमेशा सपोर्ट करें, तो वहाँ पे एक चीज़ होती है कि हमें ये चीज़ करनी अकेले करनी कैसे करनी है। फिर आता है कि हमारा सेमेस्टर का पॉइंटर, अब हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमें एक अपना क्राइटेरिया बना के रखना है कि अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो हर एक कंपनी का और एक कॉलेज का रहता है कि आपके इतना पॉइंटर होगा तब जाके आपको कंपनी में बैठने के लिए इंटरव्यूज के लिए मिलता है, तो ये सिर्फ एक क्राइटेरिया रहता है। और मेन चीज़ होती है कि नॉलेज होने के लिए आपको जरूरी है कि आपके लॉजिकल माइंड सेटअप कैसा है, अगर आपको कोई चीज़ रटा हुआ है, बाई चांस वो नहीं आया पेपर में या फिर वहाँ पे आपको इंटर्नशिप में सामने वाले ने आपसे नहीं पूछा तो आप क्या करोगे। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, यदि आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके डिफरेंट मेथड भी करो, कि मतलब मान लिया कि कोई क्वेश्चन दिया उसकी पर्टिकुलर मेथड दे दी तो आपको वो आना चाहिए। तो मैं जब अपनी कोचिंग से गई तो वहाँ पे यही था कि मेरा सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई, जो भी मुझे पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट से पढ़ाया गया तो वो मेरी अभी भी हैबिट में, अगर मैं वो पढ़ रही हूँ तो उसको इस चीज़ से लेके पढ़ती हूँ कि मुझे ये नहीं एग्जाम में आना है और एग्जाम में मुझे लिखना है, कि मुझे फ्यूचर में ये चीज़ काम आ सकती है और ये अगर डिफरेंट टाइप से आती है मुझे उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। अब आप बाहर रह रहे हो तो आपको एडेप्टिव होना पड़ेगा कि आपकी जैसी सिचुएशन आ रही है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट कर सको, और फैकल्टीज तो आपको सिर्फ थोड़ा बहुत सपोर्ट करती है, वो क्लास में करेगी आपको इंडिविजुअल अलग से नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा ये है कि आप बाहर से भी पढ़ाई करो, यूट्यूब से लो, और जैसे कि अगर आप कॉलेज बाहर जा रहे हो तो ज़रूरी है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारी आईटी फील्ड है सॉफ्टवेयर फील्ड है तो हमको पहले से लैंग्वेजेस पर कमांड हमारी होनी चाहिए, मिनिमम एक दो तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो तो वो आपको बेसिक से नहीं बताएंगे, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले से कोडिंग की प्रिपरेशन करो और एक दो लैंग्वेजेस भी पहले से पढ़ के जाओ और अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, इंटरेक्टिव भी करो, किससे कैसे करना, अपने बिहेव पर भी ध्यान दो, क्योंकि ये चीज़ आपको सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं आगे फ्यूचर के लिए भी काम आएंगी, कि अपने आपको अपने कंपनीज के कलीग से कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको किसके सामने पेश आना। चलिए, जैसे इन दोनों स्टूडेंट ने बहुत सारी आपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी बच्चों को, और मैं चाहूँगा कि जो जो बातें इन्होंने बोली उनको ध्यान से समझें। पहले रिटर्न के लिए अच्छे से पढ़ाई करना है, बहुत मेहनत करना है। जब आप मेहनत करके अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो अच्छे कॉलेज में, क्योंकि आपको मेहनत की आदत लग चुकी होती है तो अच्छे कॉलेज में भी आपको पढ़ाई की आदत लगी होती है। अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहले रिटर्न निकालना है, और रिटर्न के बाद आपको लैंग्वेजेस पे बहुत वर्क करना है। तो आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहो, आते रहो, बच्चों से मिलो और उनको यूजफुल इन्फॉर्मेशन दो, क्योंकि आज जो क्लासरूम वाले बच्चे उनके साथ साथ ऑनलाइन वाले बच्चे भी ये चाहते हैं कि सर जब भी कोई सीनियर आए तो आप मिल पाओ।
तो काफी अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।